स्पाइडरमैन के पास पावर था स्पाइडर वेब्स का, थोर के पास पावर था हैमर का, और हल्क के पास पावर है जंप करने का। बट एज अ सुपर स्टोरी टेलर, कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर, आपके पास कौन सा सुपर पावर हो सकता है? वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सुपर पावर जिसको अगर आपने अक्वायर कर लिया, अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, इट कैन रियली बी अ गेम चेंजर। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। पहले घबराइए नहीं, मैं आपको कोई बहुत बड़ा अजीब सा काम नहीं बताने वाला हूँ, बट द सुपर पावर ऑफ सुपर स्टोरी टेलर्स, कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर, इज द पावर ऑफ पॉजेस। मार्क ट्वेन ने कहा था, द राइट वर्ड मे बी इफेक्टिव बट नो वर्ड वॉज एवर एज इफेक्टिव एज अ राइटली टाइम्ड पॉज। ये एक ऐसा सुपर पावर है जो हर ग्रेट स्पीकर, हर अमेजिंग स्टोरी टेलर, हर अद्भुत कम्युनिकेटर के पास होता है, एंड दैट इज वॉट सेपरेट्स देम फ्रॉम ऑर्डिनरी स्टोरी टेलर एंड स्पीकर्स। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मार्टिन लूथर किंग ले लीजिए, स्टीव जॉब्स ले लीजिए, हमारे इंडियन एग्जाम्पल लीजिए, द बेस्ट मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ये अच्छी बात नहीं है, कितने लोगों को ये याद है? सो, हमारे पास जो सुपर पावर हो सकता है, जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है, वो है पावर ऑफ पॉजेस। बट क्यों, वाई? इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वाई पॉज, वेयर टू पॉज, एंड हाउ टू पॉज, एंड हाउ टू प्रैक्टिस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों, पॉज क्यों लेना है, क्या इम्पैक्ट होता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप पॉज लेते हैं तो उससे आपके ऑडियंस को ब्रीथ करने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपका इंगेजमेंट ऑडियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं साइलेंस के, दैट कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक योर स्टोरी टेलिंग करियर एज वेल। सो जो सुपर पावर है पॉज का, यू हैव टू नर्चर दैट, यू हैव टू कल्टिवेट दैट। And how do you do that? But more importantly, where to use that? Let's talk about that. तो कहाँ कहाँ पे आप pause ले सकते हैं? तो मैं अपने courses में, अपने programs में बताता हूँ कि there are four places you should take pause. Number one, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप कुछ बोलने वाले हैं और एकदम से भूल गए, तो हम क्या करते हैं? Exactly. हम बहुत ही अननेसेसरी फिलर हमिंग साउंड्स निकालने शुरू करते हैं। बट अगर आपको सुपर स्पीकर बनना है, अगर आपको कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर बनना है, देन यू हैव टू टेक पॉज। अगर आप भूल गए हैं तो नोबडी नोज इन द ऑडियंस कि आप भूल गए हैं, बट यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ पॉज। ओके, नंबर टू, जब भी आपका कोई की फ्रेज या कीवर्ड है, उस पे अगर आपको अपने ऑडियंस को एम्फेसाइज करना है, आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस उस फ्रेज को याद रखे, देन यू हैव टू टेक अ शॉर्ट पॉज बिफोर एंड अ लिटिल पॉज आफ्टरवर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ आई से स्किल सेट विदाउट माइंड सेट लीड्स टू अपसेट, एंड उसके बाद मैं लगातार बोलता चला जाऊं, तो शायद आप उस पे ध्यान नहीं देंगे। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि डू यू नो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज माइंड सेट, बिकॉज स्किल सेट विदाउट माइंड सेट लीड्स टू अपसेट। मैंने जानबूझ के पॉज लिया था ताकि आप सोच सकें, और डू यू अग्री टू दैट? आई कंप्लीटली अग्री, 80% ऑफ व्हाट वी डू इज माइंडसेट। सो दिस इज द पावर। सो सेकंड थिंग इज वेयर यू नीड टू टेक पॉज इज व्हेनेवर यू हैव अ की वर्ड, की फ्रेज, की टर्म, यू टेक अ पॉज, जस्ट अ लिटिल पॉज बिफोर दैट एंड अ लिटिल लॉन्गर पॉज आफ्टर दैट। नंबर थ्री, जब भी आप ऑडियंस से क्वेश्चन पूछते हैं, I do this exercise a lot of time in my community, जहाँ पे मुझे लोगों को ये समझाना होता है कि क्यों पॉज लेना जरूरी है क्वेश्चन पूछने के बाद। तो आई टेल देम, आई एम गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट, सो प्लीज टेक इट इन अ राइट स्पिरिट, एंड देन आई आस्क देम क्वेश्चन, हाउ आर यू, एंड बिफोर दे आंसर हाउ आर यू, आई आस्क देम ओके वेयर आर यू फ्रॉम, देन आई आस्क देम व्हाट डू यू डू, देन आई आस्क देम व्हाट इज योर holiday plan, and I keep asking them question without them answering the question. सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछते जाता हूँ, लेकिन उनको जवाब नहीं देना देता हूँ। And उसके बाद I ask them, do you feel offended? बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लगा? And then I ask them, do you do the same when you are speaking? You see, storytelling हो, speaking हो, communication is a two way. आप अपने mouth से बोलते हैं
और आपकी ऑडियंस अपने हार्ट से बोलती है, अपने माइंड से बोलती है. सो व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन, थिंक अबाउट द टाइम दे विल टेक टू आंसर दैट क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर फेल्ट मोटिवेटेड इन योर लाइफ? मी टू. डिड यू नोटिस मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था मी टू बोलने के पहले, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट यू माइट बी सेइंग yes, I have felt motivated. So the third place where you need to take pause is when you ask audience questions. And the fourth one, which is what can bring life to your speaking, to your storytelling, is whenever you are having a humorous punch. And I want you to actually go and watch any of those stand-up comedians, the good ones, who are truly, as they say, killing it, and look at their pause. Wo kahan pe pause lete hain? Jaise hi unka punch line, punch word, punch phrase aata hai, after that they take a pause, and uske baad somebody in the audience laughs and everybody joins in. But a lot of time what happens, jo amateur hote hain, they will jump on the pauses, they will jump on the laugh, as they say. So wo punch line bolne ke baad wo rukte nahi hai, they will keep on speaking and people don't want to miss anything that they speak, and uska effect chala jata hai. So just to remind where all you need to pause. Number one, yes, when you forget, instead of using filler words or sounds. Exactly. Number two, whenever you are having a key word or key phrase or key line, pause little bit before that and pause little more after that. Number three, when you ask a question to your audience. And number four, whenever you are having a punchline. Now you might say, okay, great coach Haritosh, I understood that ki ye char jagah pe pause karna hai, but kaise practice karun, kaise seekhun pause karna? You know what, I have answered to that as well. So main aapko teen चीजें बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप पॉज करना बेटर कर सकते हैं. नंबर वन, डिलिबरेट प्रैक्टिस. देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस. अगर आपको इस लेवल से इस लेवल जाना है, आपको नेक्स्ट लेवल स्पीकर, स्टोरी टेलर, प्रेजेंटर बनना है, यू हैव टू टेक प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस. वेन एवर यू हैव अपकमिंग स्पीच कमिंग अप, प्लान योर पॉजेस. नंबर टू इज रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड एनालाइज. समटाइम्स पीपल ऑल्सो डू कि स्पीकिंग करते समय कैसे पॉज करें, एंड दिस आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई मेंटर कॉल्ड डैरेन लैक्रॉय, एंड ही यूज इन हिज वर्ल्ड चैंपियन स्पीच, व्हेन ही हैड टू टेक अ पॉज, ही सेड इन हिज माइंड 1001, 1002, 1003, विच मीन्स कि ही काउंटेड फॉर सर्टेन नंबर्स सो दैट ही डजंट स्पीक ड्यूरिंग दैट टाइम. सो यू कैन ट्राई दैट एंड रिकॉर्ड दैट एंड देन एनालाइज कि जो आपका प्लान था, were you successful in that pause. And number three, jab bhi aap script likh rahe hain, in case you are someone who likes to write your script, put pauses also there. So whenever you have a line, uske upar bracket mein likh do pause before. Whenever you have a keywords, uske baad likh do pause after. So that even if you are reading from script, you know ki yahan pe pause lena hai, yahan pe aur pause lena hai, and that's how it will help. So number one is practice. Number two is count numbers or record and analyze. And number three is update your script to reflect the pauses. I hope कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये super power of pausing कितना effective हो सकता है. तो before you leave this video, I want you to write down in the comment what was the biggest takeaway for you and which technique are you going to use for pausing. I am going to wait for your comment. I am going to reply to each and every one of them.